हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक डिटेल से डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस पेपर की। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 को हम फिर से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिया था, लेकिन आप में से एक व्यूअर ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि इसको ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करना कि इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट कैसे आता है। अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये है कि व्हाट शैल बी द मोमेंट रिक्वायर्ड इन अ प्रोब्ड कैंटिलीवर ऑफ स्पैन एल टू प्रोड्यूस यूनिट स्लोप एट द प्रोब्ड एंड इफ ई इज यंग मॉडुलस एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ मोमेंट हमें रिक्वायर्ड है यूनिट स्लोप प्रोड्यूस करने के लिए एक कैंटिलीवर बीम में, अगर उसमें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए था वो करेक्ट ऑप्शन था। यहाँ पे हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट कैसे आता है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम है एंड ए इसका फिक्स्ड है और एंड बी जो है ये सिंपली स्पॉटेड है, और पॉइंट बी पे एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है जिसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, अब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हमने मोमेंट निकालनी है एट पॉइंट बी पे ड्यू टू लोड एट ए, इट इज़ इक्वल टू एम एफ बी ए प्लस टू ई आई अपान एल टू थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस थ्री डेल्टा अपान एल। ये फॉर्मूला होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का। अब एम बी ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट एट बी ड्यू टू लोड एट पॉइंट ए। एम एफ बी ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी ड्यू टू लोड एट ए। बाकी टू ई आई अपान एल टू थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस थ्री डेल्टा अपान एल, ये फॉर्मूला है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखेंगे थीटा ए जीरो है और डेल्टा भी जीरो है। थीटा ए जीरो इसलिए है क्योंकि एंड ए फिक्स्ड है, तो यहाँ पे कोई भी स्लोप प्रोड्यूस नहीं होगा। डेल्टा की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो है क्योंकि एंड ए फिक्स्ड है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन भी प्रोड्यूस नहीं होगी। नाउ फिक्स्ड एंड मोमेंट डेट इज एम एफ बी ए इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है एम एफ बी ए, ये भी जीरो के बराबर ही है क्योंकि पूरे बीम पे कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जब लोड ही एक्ट नहीं करेगा तो मोमेंट भी जीरो ही प्रोड्यूस होगी। ये सारी वैल्यूज हम फर्स्ट कंडीशन में पुट कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू एम बी ए इट इज इक्वल टू जीरो, एम एफ बी ए जीरो है, प्लस टू ई आई अपान एल टू थीटा बी प्लस थीटा ए भी जीरो है, माइनस थ्री इंटू डेल्टा, डेल्टा भी जीरो है अपान एल। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एम बी ए इट इज इक्वल टू टू ई आई अपान एल, सिंपली बचेगा हमारे पास यहाँ पे टू थीटा बी क्योंकि बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो हैंस द मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्लोप इज इक्वल टू फोर ई आई अपान एल थीटा बी। आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी कि ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट क्यों है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट आंसर की इस पूरे पेपर की शेयर कर दूंगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 150। तो अगर आप में से किसी को डायरेक्ट आंसर की चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके आंसर की देख सकता है। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर 121 हमारे पास यहाँ पे है, इन सी पी एम द अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज कैलकुलेटेड बाई, अर्लीस्ट फिनिश टाइम किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है एक्टिविटी ड्यूरेशन माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड ऑप्शन डी इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस लेटेस्ट फिनिश टाइम। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 122 हमारे पास यहाँ पे है, द रेल इज डेजिग्नेटेड बाय इट्स, रेल को किससे डेजिग्नेट किया जाता है। रेल को वेट पर यूनिट लेंथ से डेजिग्नेट किया जाता है। इट मीन्स डैट के ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 123 हमारे पास यहाँ पे है, टू इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स इन कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल आर, रेल को बनाने के लिए दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं स्टील के। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है कार्बन एंड मैंगनीज, ऑप्शन बी इज कार्बन एंड सल्फर, ऑप्शन सी इज कार्बन एंड सिलिका एंड ऑप्शन डी इज मैंगनीज एंड फास्फोरस। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगर हम यहाँ पे नॉमिनल कंपोजिशन इन वेट परसेंटेज फॉर 808 ग्रेड ऑफ स्टील की बात करेंगे, इसमें कार्बन 0.8 से लेकर 0.9% के बीच में होता है, मैंगनीज जो होता है 0.8 से लेकर 1.13% के बीच में होता है, बाकी सिलिकॉन सल्फर फास्फोरस एल्युमिनियम इनकी परसेंटेज जो होती है कार्बन और मैंगनीज से कम होती है। इट मीन्स डैट कि जो दो मेन कंपोनेंट्स है यहाँ पे स्टील के वो कार्बन और मैंगनीज है। क्वेश्चन नंबर 124 हमारे पास यहाँ पे है, स्विच एंगल इज द एंगल बिटवीन, स्विच एंगल किस किस के बीच में एंगल बनता है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, इट इज़ द एंगल बिटवीन गाज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल। क्वेश्चन नंबर 125 इज द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइंड फॉर, डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को हम किस बेस पे डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के बेस पे, मैक्सिमम आवरली डिमांड के बेस पे, एवरेज डेली डिमांड के बेस पे, या मैक्सिमम आवरली डिमांड एंड मैक्सिमम डे के बेस पे। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, डिस्ट्रीब्यूशन मैन को डिज़ाइन किया जाता है बेस्ड ऑन मैक्सिमम आवरली डिमांड एंड मैक्सिमम डे।
क्वेश्चन नंबर 126 हमारे पास यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैनेडी क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वेशन। कैनेडी क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वेशन का रिलेशन कौन सा है इसमें? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, वी नॉट इज इक्वल टू 0.55 एम डी की पावर 0.64। क्वेश्चन नंबर 127 हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट शैल बी द क्वाड्रेंटल बेयरिंग इफ द होल सर्कल बेयरिंग इज 112 डिग्री। सो यहाँ पे हमें होल सर्कल बेयरिंग दी हुई है 112 डिग्री, हमने क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालनी है। सो एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है होल सर्कल बेयरिंग 112 डिग्री दी हुई है और हमने रिड्यूस्ड बेयरिंग या क्वाड्रेंटल बेयरिंग फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि होल सर्कल बेयरिंग के केस में एंगल हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ही मेजर करते हैं, और क्वाड्रेंटल बेयरिंग या रिड्यूस्ड बेयरिंग में हम आइदर फ्रॉम नॉर्थ और फ्रॉम साउथ मेजर करते हैं, दोनों में से जो ज़्यादा नियर होगा। तो अगर हम लाइन देखेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में अभी लाई कर रहे हैं, अगर हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग की बात करेंगे साउथ से ये एंगल ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है, तो देयरफॉर क्वाड्रेंटल बेयरिंग आर रिड्यूस्ड बेयरिंग इट इज इक्वल टू साउथ। टोटल एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 180 डिग्री, इसमें से हम 112 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है रिमेनिंग एंगल यहाँ पे बच जाएगा, तो 180 में से 112 को माइनस कर देंगे, इट इज इक्वल टू साउथ 68 डिग्री ईस्ट। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 128 इज द डेल्टा फॉर अ क्रॉप हैविंग बेस पीरियड ऑफ 100 डेज इज 75 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिग्री। तो क्वेश्चन में हमारे पास बेस पीरियड दिया हुआ है 100 डेज, डेल्टा दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ से ड्यूटी फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे अगर हम गिवन डाटा की बात करेंगे, बेस पीरियड हमारे पास दिया हुआ है 100 डेज, डेल्टा दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और हमें यहाँ से ड्यूटी फाइंड आउट करनी है। एज वी नो डैट डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डी, या एक और रिलेशन इसका बनता है डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन टी। अब किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है? अगर हमारे पास डेल्टा सेंटीमीटर में दिया हुआ होगा उस केस में आपने फॉर्मूला यूज़ करना है 864 बी अपॉन डी। अगर हमारे पास डेल्टा मीटर में दिया हुआ है तब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है 8.64 बी अपॉन डी। तो अभी हमारे पास गिवन जो दिया हुआ है वो डेल्टा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इस केस में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 864 बी अपॉन डी। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा की वैल्यू दी हुई है और हमने ड्यूटी को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम ड्यूटी और डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे, तो देयरफॉर ड्यूटी इज इक्वल टू 864 बी बाय डेल्टा। वैल्यूज़ दोनों की दी हुई है, इसमें हम पुट करेंगे 864 बी हमारे पास यहाँ पे 100 दिया हुआ है और डेल्टा 75 दिया हुआ है, तो यहाँ से जो इसको सॉल्व करके आएगा इट इज़ इक्वल टू 1152 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, 1152 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 129 हमारे पास यहाँ पे है, द आवरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजुअली टेकन एज 1.5, 1.8, 2 और 2.7। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, इट्स 1.5। क्वेश्चन नंबर 130 हमारे पास यहाँ पे है, इफ अ कैनाल रन्स पैरेलल टू रोड विच हैज नेचुरल ड्रेन अलॉन्ग इट्स एजेस देन द कैनाल इज डिफाइंड एज। अगर एक कैनाल जो है रोड के पैरेलल रन करती है विच हैज़ अ नेचुरल ड्रेन अलॉन्ग इट्स एजेस, तो उस केस में हम कैनाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे है एक्वाडक्ट, ऑप्शन बी साइफन, ऑप्शन सी साइफन एक्वाडक्ट एंड ऑप्शन डी सुपर पासेज। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। यहाँ पे अगर हम इन सबको एक्सप्लेन करते हैं, एक्वाडक्ट क्या होता है, साइफन एक्वाडक्ट क्या होता है, सुपर पासेज क्या होता है, साइफन क्या होता है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्वाडक्ट। इन दिस केस कैनाल फ्लोइंग आवर नेचुरल ड्रेन और रिवर। इस केस में क्या होता है कि कैनाल जो है नेचुरल ड्रेन के ऊपर से फ्लो करती है, और इस केस में क्या होता है कि HFL रिमेंस बिलो द बेड ऑफ द चैनल। जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होगा यहाँ पे नेचुरल ड्रेन का वो कैनाल बेड से काफ़ी नीचे होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं साइफन एक्वाडक्ट। इन दिस केस कैनाल फ्लोइंग ओवर नेचुरल ड्रेन और रिवर। इस केस में भी कैनाल जो है ओवर द नेचुरल ड्रेन ही फ्लो करती है, बट इन दिस केस HFL इज अबोव द बेड ऑफ द चैनल। इस केस में जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होगा नेचुरल ड्रेन का वो बेड लेवल ऑफ कैनाल से ऊपर होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सुपर पासेज। इट इज़ टोटली द रिसिप्रोकल ऑफ एक्वाडक्ट। अब एक्वाडक्ट के केस में क्या होता था कि कैनाल जो थी वो नेचुरल ड्रेन के ऊपर से फ्लो करती थी, लेकिन इस केस में कैनाल जो है वो नेचुरल ड्रेन के नीचे से फ्लो करती है। इन दिस केस कैनाल फ्लोइंग बिलो नेचुरल ड्रेन और रिवर, एंड इन दिस केस FSL रिमेंस बिलो द बेड ऑफ द नेचुरल ड्रेन, और इस केस में जो फुल सप्लाई लेवल होता है वो बेड ऑफ नेचुरल ड्रेन से नीचे होता है। एंड द लास्ट इज साइफन। अब साइफन क्या होता है? इन दिस केस कैनाल फ्लोइंग बिलो नेचुरल ड्रेन और रिवर। इस केस में भी जो कैनाल है वो नेचुरल ड्रेन के बिलो फ्लो करती है, बट इन दिस केस FSL इज अबोव द बेड ऑफ द नेचुरल ड्रेन, लेकिन इस केस में जो फुल सप्लाई होगा वो बेड ऑफ नेचुरल ड्रेन से ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 131 हमारे पास यहाँ पे है, ऑन अ स्ट्रेस्ड बॉडी देयर आर पॉइंट्स ऑन विच शेयर स्ट्रेस इज जीरो, दीज प्लान्स आर नोन एज। एक स्ट्रेस्ड बॉडी में जिन प्लान्स पे शेयर स्ट्रेस जीरो होगा उन प्लान्स को हम क्या कहते हैं? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, प्रिंसिपल प्लान्स। सो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस
अकर ऑन प्लेन्स ऑफ जीरो शीयरिंग स्ट्रेसेस। सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो होती है नॉर्मल स्ट्रेसेस की, वो जनरली वहाँ पे अकर होती है जहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस जीरो होते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस आर कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और उन मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम जनरली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। एंड द प्लान्स ऑन विच दे एक्ट आर कॉल्ड प्रिंसिपल प्लान्स, और जिस प्लान्स पे मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं उन प्लान्स को हम प्रिंसिपल प्लान कहते हैं। तो इनडायरेक्टली वी कैन से डैट कि प्रिंसिपल प्लान्स पे शेयर स्ट्रेसेस जीरो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 हमारे पास यहाँ पे है, ऑरिफाइस मीटर यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर लॉ फॉर इट्स ऑपरेशंस। ऑरिफाइस मीटर जो है किस लॉ पे बेस्ड है? ऑरिफाइस मीटर जनरली बेस्ड ऑन बर्नौलीज लॉ। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। सो ऑरिफाइस मीटर के अलावा दो और डिवाइसेज हैं जो बर्नौलीज इक्वेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। फर्स्ट उसमें पिटोट ट्यूब है और सेकंड इसमें वेंचुरी मीटर है। दीज टू डिवाइसेज आल्सो वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज लॉ। क्वेश्चन नंबर 133 हमारे पास यहाँ पे है, टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल शुड नॉट बी लेस देन। जिस स्टील को हम यूज़ करते हैं रेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 700 मेगापास्कल। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टेंजाइल टेस्ट को। इन दिस केस अ टेस्ट स्पेसिमेन इज टेकन फ्रॉम द हेड ऑफ द रेल सेक्शन एंड सब्जेक्टेड टू द टेंजाइल टेस्ट। इस केस में क्या किया जाता है कि हेड ऑफ रेल सेक्शन से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें हम टेंजाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रेल शुड नॉट बी लेस देन 72 kg पर एम एम स्क्वायर आर 706.32 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आर सिंपली 706 मेगापास्कल विद अ मिनिमम इलॉन्गेशन ऑफ 14% फॉर मीडियम मैंगनीज रेल्स एंड 12% फॉर कार्बन क्वालिटी रेल्स। तो मिनिमम इलॉन्गेशन इसमें होनी चाहिए 14% फॉर मीडियम मैंगनीज रेल्स के लिए और 12% होनी चाहिए कार्बन क्वालिटी रेल्स। सो द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो डेट्स वाई की ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 134 इज फॉर कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट, सिंपली नोन एज CBR टेस्ट, द सॉइल शुड बी सोक्ड फॉर हाउ मेनी डेज। CBR टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम सॉइल को कितने दिन पानी में सोक करके रखते हैं? सो CBR टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सॉइल को हम जनरली 4 दिन के लिए पानी में सोक करके रखते हैं टेस्ट करने से पहले। सो इट मीन्स डैट के ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 135 इज द ग्राफिकल पैटर्न ऑब्टेंड बाई द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स इज डिफाइंड एज। इक्विपोटेंशियल लाइन्स और स्ट्रीम लाइन्स का जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज फ्लो नेट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। सो फ्लो नेट क्या होता है? अ फ्लो नेट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मास। इट इज अ कर्वीलिनियर नेट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो लाइन सिंपली नोन एज स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स। सो स्ट्रीम लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन्स का जो कॉम्बिनेशन आता है डेट इज नोन एज फ्लो नेट। फ्लो लाइन्स रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ फ्लो अलॉन्ग विच द वाटर विल सीप थ्रू द सॉइल। फ्लो लाइन्स जो है ये उस पाथ को रिप्रेजेंट करती है जिस पाथ के अलॉन्ग वाटर सीप करेगा सॉइल में। इक्विपोटेंशियल लाइन्स आर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल हेड्स, और इक्विपोटेंशियल लाइन्स ऐसी लाइन्स होती हैं जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है जिनमें इक्वल हेड क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 136 इज सर्टेन की इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट आर कॉल्ड। प्रोजेक्ट में जो की इवेंट्स आते हैं उन की इवेंट्स को हम माइलस्टोन्स कहते हैं। सो यहाँ पे अगर हम माइलस्टोन चार्ट की बात करेंगे, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल गैंट चार्ट। गैंट चार्ट को हम सिंपली बार चार्ट भी कहते हैं। तो माइलस्टोन चार्ट जो है ये मॉडिफिकेशन है अवर गैंट चार्ट और बार चार्ट। माइलस्टोन्स आर द की इवेंट्स ऑफ मैन एक्टिविटीज, और माइलस्टोन्स किनको कहते हैं? जो की इवेंट्स होंगे मैन एक्टिविटीज़ के, रिप्रेजेंटेड बाय बार, देयरफॉर दे गिव द आइडिया अबाउट द कंप्लीटेशन ऑफ द सब एक्टिविटीज़। तो इनसे एक आइडिया हमें लग जाता है सब एक्टिविटीज़ के कंप्लीटेशन के बारे में। कंट्रोलिंग कैन बी बेटर अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ माइलस्टोन चार्ट्स। एक्टिविटीज़ को हम बेटरली कंट्रोल कर सकते हैं माइलस्टोन चार्ट से। बट स्टिल एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ टाइम अनसर्टनिटी कैन नॉट बी डिपिक्टेड विच कैन बी ओवरकम इन नेटवर्क टेक्निक। माइलस्टोन चार्ट से हम बेटरली एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंटर रिलेशनशिप और अकाउंटेबिलिटी ऑफ टाइम को हम इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो एक ड्रॉबैक है नेटवर्क टेक्निक में। तो डैट्स वाई इनको आजकल के टाइम में हम बहुत कम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 हमारे पास यहाँ पे है, वट इज़ द रिलेशन बिटवीन कंसेप्टिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट सिंपली नोन एज CIR, नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट NIR, फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट FIR एंड ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट GIR। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, GIR इज ग्रेटर देन FIR, इट्स ग्रेटर देन NIR एंड इट्स ग्रेटर देन CIR। क्वेश्चन नंबर 138 हमारे पास यहाँ पे है, वट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज शेप फॉर अ लाइन कैनाल। लाइन कैनाल के लिए हम सबसे ज़्यादा किस शेप को यूज़ करते हैं? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। कैनाल के लिए हम सबसे ज़्यादा जो शेप यूज़ करते हैं वो ट्रेपेज़ॉइडल शेप है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 139 हमारे पास यहाँ पे है, फॉर वाटर बॉन्ड मैकडम रोड्स सिंपली नोन एज WBM रोड्स इन लोकलिटीज ऑफ हैवी रेनफॉल द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर इज। इन केस ऑफ WBM रोड्स हैवी रेनफॉल के केस में वैल्यू ऑफ कैम्बर हम क्या प्रेफर करते हैं?
ऑप्शन ए 1 in 30, ऑप्शन बी 1 in 36, ऑप्शन सी 1 in 48, ऑप्शन डी 1 in 60. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है 1 in 36. सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप की रोड पेमेंट के लिए और किस टाइप की रैन कंडीशन के लिए हम कौन सा कैम्बर प्रेफर करते हैं. फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमारे पास टाइप ऑफ पेमेंट सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस होगी, हैवी रैन के लिए हम कैम्बर प्रेफर करते हैं 1 in 50 और लाइट रैन के लिए 1 in 60. सेकेंड केस हमारे पास यहाँ पे है, अगर हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट जो होगी थिन बिटुमिनस सरफेस टाइप होगी, तो हैवी रैन के लिए हम प्रेफर करेंगे 1 in 40 और लाइट रैन के लिए हम प्रेफर करते हैं 1 in 50. WBM ग्रेवल पेमेंट के केस में हैवी रैन के लिए 1 in 33 एंड लाइट रैन के लिए 1 in 40, और अर्दन रोड्स के लिए हैवी रैन के लिए 1 in 25 एंड लाइट रैन के लिए 1 in 33. सो ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन नंबर 140 हमारे पास यहाँ पे है, इफ द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 28 डेज एंड द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 18 डेज, देन द टोटल फ्लोट शैल बी. लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास 28 डेज है और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 18 डेज है, तो टोटल फ्लोट किसके बराबर आ जाएगा. इवन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 28 डेज दिया हुआ है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 18 डेज दिया हुआ है, टोटल फ्लोट जो है किसके बराबर होता है, LST - EST. 28 - 18 इट इज इक्वल टू 10 डेज. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 141 हमारे पास यहाँ पे है, द हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन इज द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन किन दो पैरामीटर्स का सम होती है, सिंपली नोन एज HGL. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन. क्वेश्चन नंबर 142 हमारे पास यहाँ पे है, एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रैंड मटेरियल इफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ 200 N/mm² एंड 100 N/mm² इज एक्टिंग, देन वट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन अ प्लान इंक्लाइंड एट 15 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द माइनस स्ट्रेस. तो एक स्ट्रैंड मटेरियल है जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं, 200 N और 100 N. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस उस पर क्या हो सकता है जबकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे 15 डिग्री दिया हुआ है. सो एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे जो दो टेंजाइल स्ट्रेसेस हैं वो क्लियरली डायग्राम में शो किए हुए हैं. सो गिवन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा एक्स इज 200 N/mm² एंड सिग्मा वाई इज 100 N/mm², टाउ एक्स वाई 0 है हमारे पास यहाँ पे, प्लान इज इंक्लाइंड एट 15 डिग्री विद माइनर एक्सिस. सो अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद मेजर एक्सिस निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू 90 - 15 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 75 डिग्री. नाउ टेंजेंशियल स्ट्रेस एट प्लान इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टाउ, इट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 sin 2θ प्लस एक्स वाई कॉस थीटा. तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज दी हुई है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे. सिग्मा एक्स हमारे पास 200 के बराबर है, सिग्मा वाई हमारे पास 100 के बराबर है, sin 2 वैसे ही रहा, थीटा 75 डिग्री है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0 थी हमारे पास और कॉस थीटा 75 डिग्री. तो बाई सॉल्विंग दिस वी विल गेट टाउ इज इक्वल टू -25 N/mm². अब नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन जो है टाउ की वो अपोजिट है ऑन द इंक्लाइन प्लेन, दैट्स व्हाई इट्स इन नेगेटिव साइन. क्वेश्चन नंबर 143 हमारे पास यहाँ पे है, ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ मेट्रो रेल लाइन इट वॉज ऑब्जर्व डेट अ कैनाल एंड ड्रेनेज इंटरसेक्ट एट ऑलमोस्ट सेम लेवल वाइल अलाइनिंग द मेट्रो लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वट स्ट्रक्चर्स नीड टू बी बिल्ड फॉर दिस फीचर. तो मेट्रो लाइन का सर्वे करते वक्त कैनाल लाइन और ड्रेनेज लाइन आपस में सेम लेवल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एक क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. जब दो चीज़ें आपस में सेम लेवल पे इंटरसेक्ट करती हैं उस केस में हम कौन सा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस केस में हम लेवल क्रॉसिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है. क्वेश्चन नंबर 144 इज व्हाट इज द नेम ऑफ इक्वेशन विच मेक्स अ रिलेशन विद द वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ हेड इन अ पाइप ऑफ लेंथ एल ड्यू टू विस्कोसिटी इन लैमिनर फ्लो. सो ऐसी कौन सी इक्वेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स में जो लॉस ऑफ हेड होता है पाइप में उसके साथ जिसका रिलेशन है. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 145 इज व्हेन एन असेंडिंग ग्रेडिएंट ऑफ 1 in 50 मीट्स अ डिसेंडिंग ग्रेडिएंट ऑफ 1 in 50, देन द लेंथ ऑफ सुमिट कर्व फॉर अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर विल बी. जब असेंडिंग ग्रेडिएंट 1 in 50 मीट करेगा डिसेंडिंग ग्रेडिएंट 1 in 50 के साथ और उस केस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 80 मीटर दिया होगा, तो उस केस में लेंथ ऑफ सुमिट कर्व कितनी होगी. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 60 मीटर. सो गिवन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD इज इक्वल टू 80 मीटर, तो यहाँ पे अगर हमने डेविएशन एंगल को फाइंड आउट करना होगा इट इज इक्वल टू ग्रेडिएंट 1 - ग्रेडिएंट 2. इट मीन्स डैट कि अपवर्ड ग्रेडिएंट माइनस डाउनवर्ड ग्रेडिएंट. अपवर्ड ग्रेडिएंट 1:50 है और डाउनवर्ड ग्रेडिएंट भी 1:50 ही है, तो इट विल बी इक्वल टू 1/50 माइनस माइनस. अब यहाँ पे एक तो ये फार्मूले का माइनस है और एक इसको डाउनवर्ड ग्रेडिएंट की वजह से माइनस लगा हुआ है, तो इट विल बी इक्वल बाई 25,
तो सिंपल हमारे पास यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा 0.04। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो केसेस आते हैं। फर्स्ट केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो लेंथ होगी सबमिट करूँगी वो ग्रेटर देन होगी एस एच डी से। जिस केस में एल ग्रेटर देन होगा एस से, उस केस में एल निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, एन एस का स्क्वायर अपॉन 4.4। इट इज़ इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, डेविएशन एंगल अभी हमने निकाला 0.04। एस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 80, तो 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4। इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 58.18 मीटर। तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज एल इज़ लेस देन एस। एल हमारे पास यहाँ पे आया 58.18 मीटर और एस हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, 80 मीटर के बराबर। तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम सेकंड केस को ट्राई करते हैं। सो सेकंड केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि एल इज़ लेस देन एस। इट मीन्स डैट कि जो लेंथ है सबमिट करूँगी वो लेस देन है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो उस केस में एल निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, 2s माइनस 4.4 अपॉन एन। इट इज़ इक्वल टू 2 अपनी जगह रहा, s की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 80, 4.4 वैसे ही रहा, डिवाइडेड बाय n की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 0.04। तो यहाँ से हम इसको हम सॉल्व करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 50 मीटर। तो यहाँ पे केस सेटिस्फाइड है, l इज़ लेस देन s। तो 50 मीटर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी नहीं दिया हुआ है। सो एज़ पर गिवन ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज़ ऑप्शन 4, डैट इज़ 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 146 इज नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स पर फिश प्लेट इज, पर फिश प्लेट को ज्वाइन करने के लिए कितने नंबर ऑफ़ फिश बोल्ट की ज़रूरत होती है। तो पर फिश प्लेट को ज्वाइन करने के लिए 4 नंबर ऑफ़ फिश बोल्ट्स की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 4। क्वेश्चन नंबर 147 हमारे पास यहाँ पे है, इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉड स्टैंड फॉर, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 148, क्रीप इज द, अब रेल के केस में क्रीप किसको कहते हैं, तो रेल के केस में क्रीप हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ रेल को। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 149 हमारे पास यहाँ पे है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक वेस्ट वाटर रेस्पेक्टिवली आर। सो फ्रेश और सेप्टिक वेस्ट वाटर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, एल्कलाइन एंड एसिडिक। द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज इज़ मोर देन 7। फ्रेश सीवेज की पीएच वैल्यू हमेशा मोर देन 7 ही होती है। यहाँ पे अगर हम इसकी एवरेज रेंज देखेंगे, इट इज़ 7.5 टू 9.5, एंड फ्रेश सीवेज इज एल्कलाइन इन नेचर। द पीएच वैल्यू ऑफ सेप्टिक सीवेज इज़ लेस देन 7। सेप्टिक सीवेज की जो पीएच वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है। यहाँ पे अगर हम इसकी एवरेज रेंज की बात करेंगे, इट इज़ 6.5 टू 4.5, एंड सेप्टिक सीवेज इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 150 हमारे पास यहाँ पे है, इन अ प्रोजेक्ट एक्टिविटी फॉर कंप्लीटेशन, इफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज 4 डेज, मोस्ट लाइकली टाइम इज 6 डेज, एंड मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम इज 11 डेज, देन द एक्सपेक्टेड टाइम शैल बी। एक प्रोजेक्ट हमारे पास है, उसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम 4 डेज दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम 6 डेज दिया हुआ है, और पेसिमिस्टिक टाइम 11 डेज दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। यहाँ पे गिवन हमारे पास दिया हुआ है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हम टी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 डेज के बराबर। मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको हम टी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू 6 डेज, एंड पेसिमिस्टिक टाइम रिप्रेजेंटेड बाई टी पी, इट इज इक्वल टू 11 डेज। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है, टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टी पी अपॉन 6। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास दी हुई है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, टी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 11 बाई 6। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल टू 6.5 डेज। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 6.5 डेज। जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर पेपर के डिटेल सॉल्यूशन की, वो यहाँ पे ख़त्म होगी। मैंने यहाँ पे आपको जो सीरीज ए थी उसके हर क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करके दिखाया, हर चीज़ को एक्सप्लेन करके दिखाया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी और सीरीज डी, चारों सीरीज में सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या है, शफलिंग है। तो अगर आपको सीरीज ए आती है तो इट मीन्स डैट कि आपको ऑटोमेटिकली चारों की चारों सीरीज आती है। इसके अलावा और भी मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको मैंने यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको पूरे पेपर में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया होगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को फिर से बेटर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।